इनकी फोटो दी गई है इनकी, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, तो इन्हीं की खबर सुन लीजिए कि भाई क्या अच्छे काम इन्होंने किए हैं। देखिए मतलब अब पढ़ोगे तो पता चल जाएगी। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों के इन मतलब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्शन लिया जा रहा है इन दोनों के खिलाफ। और ये जो मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशक के धन की धोखाधड़ी से संबंधित भी है। और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके जो पति हैं उनके उनका जो पुणे में एक बंगला और जो इक्विटी शेयर सहित 98 करोड़ की जो संपत्ति है उनकी जब्त कर ली गई है। और ईडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया बताया कि जो पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत रिपू जो सुधन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ का जो अचल और जो चल संपत्ति है उन सब चीज़ों का जब्त कर लिया गया है। ईडी ने ये जो एक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में लिया। और न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से वन वेरिएबल जो टेक प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज और अन्य समित लोगों के खिलाफ जांच शुरू किया। ये कहा जा रहा है कि जो बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली भाली जनता को इनके द्वारा फंसाया जाता था, बिटकॉइन के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि जो एकत्रित की गई थी। और ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमोटर्स ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से प्राप्त बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रखा है। ईडी ने यह भी कहा है कि अभी भी इनके पास 285 बिटकॉइन है और जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपए है। अभी देखेंगे जो ईडी होती है कि वो क्या है और जो बिटकॉइन है वो क्या है। जो ईडी होती है उसको कहा जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये क्या है, एक केंद्र की सेंट्रल की एक जांच एजेंसी है जिसको कहते हैं खुफिया, एक एजेंसी है सरकार की एक जांच एजेंसी है जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर 2002 में इसको स्टार्ट कर गया था। ये भारत में वित्तीय कानून को लागू करने में मदद करती है, अर्थात आर्थिक मामले में हेर फेर की जांच जो है वो ईडी के द्वारा ही की जाती है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इस तरीके का काम जो है वो करती है। अभी देखा जाएगा कि बिटकॉइन जो होते हैं भाई वो बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन का मतलब जो बिटकॉइन होता है वो एक डिजिटल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है। और ये केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती, जो भारत में जो केंद्रीय बैंक है इनके द्वारा इसको संचालित नहीं किया जाता। ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे किसी एक व्यक्ति समूह या इकाई के नियंत्रण से बाहर पैसे और भुगतान के रूप में खर्च जो कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह वित्तीय लेनदेन में विश्वसनीय तीसरे पक्ष के भागीदारी को हटा देती है, जैसे कि तीसरे पक्षीय भागीदारी मतलब जैसे बैंक वगैरह हो गए, उन सब चीज़ों को हटा देती है। विकास जैसे इसका डेवलपमेंट जो है वो किसके द्वारा इसको किया गया था, सतोशी नाकामोटो के द्वारा इस चीज़ को लाया गया था। और फर्स्ट टाइम 2009 में इसको सार्वजनिक मतलब सभी जगह इसको बताया गया था कि 2009 में इसको सार्वजनिक किया गया, सार्वजनिक इसको 2009 में किया गया। सातोशी बिटकॉइन की सब सातोशी का मतलब क्या था, नाम के हिसाब से ही इसका नाम रखा था। तो सातोशी बिटकॉइन सातोशी होती है जो बिटकॉइन की सबसे छोटी या एक सौवीं इकाई कहा जाता है। और इनके मालिकों का कोई खाता नहीं होता और संख्या सामाजिक कोड या नाम नहीं दिए जाते इनके मतलब इस तरीके का कोई नाम नहीं जाता। और देखा जाए तो मालिक खरीदार विक्रेता सभी इनका गुमनाम जो होता है बिटकॉइन का रहता है। और यही चीज़ अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और होगा कि एक बिटकॉइन कितने रुपए का होता है, मतलब एक बिटकॉइन होती है उसकी वैल्यू कितनी बताई जा रही है। एक बिटकॉइन की वैल्यू होती है 53,86,226 एक बिटकॉइन की वैल्यू होती है।